बेतलपुर नाम के एक गांव में बादशाह नाम का एक अनाथ बैल रहता था। बादशाह बचपन से ही अनाथ था और उसका ये नाम भी खुद उसी ने रखा था। एक दिन बड़ा होकर बादशाह बनेगा कहकर, लेकिन बादशाह समय के साथ लापरवाह और मतलबी बनता रहा। लेकिन तुमने तो वादा किया था ना आज के दिन मेरी मदद करने का, अब अचानक से ऐसे कहोगे तो मैं क्या करूंगा, वो भी अकेला। देखिए चाचा जी, मैं तुम्हारा दोस्त नहीं हूँ, मैं एक काम करने वाला हूँ। जहाँ पर ज्यादा पैसे मिले वहीं पर अपना हाथ चलाऊंगा। शर्म आनी चाहिए तुम्हें एक बूढ़े के साथ ऐसे करने के लिए, इसीलिए तुम्हारा कोई नहीं है। और देखना, तुम्हें भविष्य में भी एक अनाथ की तरह ही मरोगे। इसी गांव के गलियों में बड़ा हुआ हूँ चाचा जी, भले ही आज मैं जवान और आप बूढ़े हो, लेकिन एक वक्त ऐसा भी था जब आप जवान थे और मैं बच्चा। शुक्र मानिए मैं आपकी तरह गलत व्यवहार नहीं कर रहा हूँ। ऐसे कहते हुए बादशाह वहां से चला जाता है। हमेशा ऐसे ही सिर्फ अपने स्वार्थ के बारे में ही सोचता है। ऐसे ही एक दिन अपना काम करके घर लौट रहे बादशाह को उसके घर के दरवाजे के सामने एक छोटा सा बच्चा नजर आता है। वो एक छोटा सा बैल था। उसे देखकर बादशाह, ये किसका बच्चा है, किसने इसे मेरे घर के पास छोड़ा है? चुपचाप इसे वापस ले जाओ वरना इसे उठाकर कचरे के डिब्बे में फेंक दूंगा। ऐसे कहते हुए बादशाह उस बच्चे को उठाकर गांव भर में पूछता हुआ फिरता है, लेकिन वो बच्चा हमारा है कहकर सामने कोई भी नहीं आते हैं। इसलिए बादशाह ना चाहते हुए भी उस बच्चे के साथ फंस जाता है। किस मनहूस घटी में और किस मनहूस ने इसे मेरे भरोसे छोड़ा था, अब मैं क्या करूं इसका, इतना छोटा है कि अकेला छोड़ भी नहीं सकता हूँ। ऐसे कहते हुए बादशाह अजीब तरीके से उस बच्चे का ख्याल रखने लगता है, लेकिन वो इस बात का किसी को भी पता नहीं चलने देते हैं। ऐसे वक्त गुजरता जाता है, वो बच्चा बड़ा होने लगता है और बादशाह को सिर्फ एक ही बात की फिक्र लगी रहती है। देखो बच्चे, या तो घर में ही रहना या फिर कोई तुमसे कुछ कहे तो कह देना कि तुम अनाथ हो। अगर किसी को ये पता चला कि मैंने तुम्हें बड़ा किया है, फिर से मेरा मजाक बन जाएगा। बादशाह उस बच्चे को हमेशा यही बात बताकर समझाता रहता है, लेकिन वो बातें सुनकर बच्चे को ऐसा लगने लगता है कि वो बादशाह के लिए एक बोझ है। इसलिए बच्चा थोड़ा सा बड़ा होते ही वहाँ से भाग जाता है। अब ये लड़का कहाँ पर चला गया, लगता है ये मुझे बेइज्जत करे बिना नहीं मानेगा। ऐसे कहते हुए बादशाह उस बच्चे को ढूंढने के लिए गांव में इधर उधर ढूंढता रहता है, लेकिन वो बच्चा उसे कहीं पर भी नजर नहीं आता है। तब बादशाह को थोड़ी सी फिकर होने लगती है। क्या आपने एक छोटे से बच्चे को देखा है जो गोल मटोल है? ये देखो कौन आया है, वो भी किसी बच्चे को ढूंढते हुए। तुम्हें कब से औरों की चिंता होने लगी अनाथ बादशाह? बादशाह जिस किसी भी से ये सवाल पूछा था, हर कोई उसे वही कहते थे। इसलिए बादशाह उस बच्चे को ढूंढना बंद कर देता है और चुपचाप अपना काम करने लगता है। इस बात पहले से भी ज्यादा मतलबी बनकर, मुझे इतने पैसे दो तभी मैं तुम्हारा काम करूंगा, वरना किसी और को ढूंढ लो। और ये बात याद रखना, मैं हमेशा ज्यादा पैसे ही लेता हूँ। बार बार मुझसे ये सौदेबाजी मत करना, मैं बिल्कुल भी अच्छे स्वभाव का नहीं हूँ।
हाँ, मैं अच्छे से जानता हूँ तुम्हारे स्वभाव के बारे में। ये लो पूरे पैसे हैं। जल्दी से सारा सामान को दोपहर से पहले ही शहर पहुँचा दो। ठीक है कहकर बादशाह सामान लेकर शहर जाता है और लिया हुआ सामान शहर में पहुँचा कर लौटा रहा होता है। तभी उसे छोटा बैल नजर आता है। उसे कोई अनाथ है कहकर डांट रहा था। वहाँ पर जाकर बादशाह, ये कोई अनाथ नहीं है, मेरा परिवार है। अपने उस बच्चे से दूर ही रख, वरना हाथ ले जाऊंगा साथ में। ऐसे कहते हुए बादशाह उस बच्चे को अपने साथ लेकर जाता है और तब से दोनों एक परिवार की तरह रहते हैं और अब उन्हें कोई अनाथ नहीं कहता है। ललितपुर नाम के एक गांव में हैप्पी नाम की एक छोटी सी गाय रहती थी। जहां पर सबका रंग सफेद था, वहीं पर हैप्पी गाय का रंग काला था, इसलिए उसे कोई पसंद नहीं करते थे स्कूल में। तुम यहां पर क्या कर रही हो हैप्पी? तुम्हें देखकर तो हमारा मूड सैड हो जाता है, कहीं और जाकर अपना लंच खाओ। लेकिन यहाँ पर कहीं पर भी खाली जगह नहीं है, इसीलिए मैं यहाँ पर आई हूँ। कहीं पर भी खाली जगह नहीं है तो यहाँ पर आओगी क्या? स्कूल के बाहर जाकर खाओ, लेकिन यहाँ पर मत आओ। ऐसे बिना वजह परेशान करने लगते हैं। उसके साथ पढ़ने वाले हो या उसके टीचर हो, सभी लोग हैप्पी को उसके रंग की वजह से एक अजीब ही नजर से देखते हैं। हैप्पी एक होशियार गाय होने के बावजूद भी कोई उस पर ध्यान ही नहीं देते हैं। इसी वजह से हैप्पी का आत्मविश्वास भी कम होता जा रहा है। बताओ बच्चों, तुम में से पानी का फॉर्मूला किसे पता है? इतने सारे बच्चों में से कोई भी जवाब नहीं जानते थे, लेकिन हैप्पी को इस बात का जवाब पता था और वो जवाब देने भी चाहती थी, लेकिन टीचर उसे कुछ कहने ही नहीं देती है। तुम रहने ही दो हैप्पी, हर बात पर मैं करके बकरी की तरह हाथ उठाती रहती हो। दूसरे बच्चों को भी कुछ कहने का मौका दो। लेकिन टीचर जी, मुझे जवाब पता है, इस क्लास में किसी को भी नहीं पता है, इसीलिए सब शांत बैठे हैं। तुम्हें बहुत घमंड है ना अपने दिमाग पर? काली हो फिर भी हर बात में टांग अड़ाती हो, जाकर क्लास के बाहर खड़ी हो जाओ। ऐसे हैप्पी को बिना वजह बार बार क्लास के बाहर निकला जाता है। एक दिन परेशान होकर हैप्पी स्कूल जाने से ही मना कर देती है। इतना अच्छा पढ़ने वाली हैप्पी स्कूल क्यों नहीं जाने की जिद कर रही है कहकर माँ बाप परेशान होते हैं। क्या बात है बेटा, तुम स्कूल क्यों नहीं जाना चाहती हो? किसी ने कुछ कहा क्या तुम्हें स्कूल में? मुझे स्कूल में सभी लोग काली है कहकर चिढ़ा रहे हैं। ना कोई मुझसे बात करते हैं और ना ही टीचर को मुझे पढ़ाना पसंद है, इसीलिए मुझे स्कूल नहीं जाना है माँ। बस इतनी सी बात के लिए परेशान क्यों हो रही हो बेटा? तुम होशियार हो, तुम्हें ऐसे लोगों से बात करने की जरूरत नहीं है। अपने आप पर भरोसा रखो और अपने काम से काम रखो। तब भी अगर तुमसे कुछ कहे तो उनसे ऐसा जवाब दो कि वो तुमसे भी ज्यादा शर्मिंदा होना चाहिए। ठीक है कहकर अपनी माँ की बातों से प्रभावित होकर ऐसा ही बर्ताव करती है, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो। आज अपना काला हाथ क्यों नहीं उठा रही हो हैप्पी? तुम्हें तो हर बात का जवाब पता होता है ना? मुझे जवाब पता है टीचर जी, लेकिन आप में से किसी को भी ये सुनना नहीं होता है ना? तो मैं जवाब देकर अपनी कैलोरीज क्यों वेस्ट करूं? इसी जुबान तो कैची बन गई है, जाकर क्लास के बाहर खड़ी हो जाओ। पता है आप यही कहोगे, मेरे माँ बाप इसी बात की तो फीस देते हैं ना मुझे स्कूल के बाहर खड़ा करने के लिए। सिर्फ मेरा रंग काला है कहकर
सबने मुझे तमाशा बना दिया है। टीचर को हैप्पी की बातें कुछ ज्यादा ही नीचा दिखा देती है, इसलिए वो हैप्पी को सीधे हेडमास्टर के ऑफिस में ले जाकर क्लास में सबको परेशान करती है, बुरी बातें कहती है और पढ़ाई भी नहीं करती है कहकर झूठी बातें कहती है वो टीचर। इसीलिए मैं इसे और नहीं पढ़ा सकती हूँ हेडमास्टर जी, इसे आज के आज ही स्कूल से निकाल दीजिए। टीचर हैप्पी के बारे में इतना सब कह रही थी और हैप्पी अपने बचाव में कुछ भी नहीं कह रही थी। वो सब बड़े ध्यान से देखकर हेडमास्टर ऐसे कहता है, टीचर जी मुझे देखिए, मैं भी एक ब्लैक हूँ और मैं यहाँ पर बैठकर दिन भर मूंगफली नहीं खाता हूँ। हर क्लास में एक कैमरा है, मैं दिन भर आपके सभी हरकतें देखता रहता हूँ। एक बच्ची का रंग सिर्फ काला है कहकर कैसी बर्ताव कर रहे हो तुम सब, और बच्चों को भी वही सिखा रहे हो। ऐसे कहते हुए हेडमास्टर उस टीचर को स्कूल से निकाल देता है और पूरे स्कूल को एक बार अच्छी चेतावनी देते हैं, दोबारा ये सब नहीं होना चाहिए कहकर। उसके बाद सभी बच्चे हैप्पी के साथ हैप्पीली रहते हैं।